ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मंदिर से मिले हुए फूल को कहाँ रखना चाहिए? मान लो मंदिर में आप गए और पंडित जी ने प्रसाद में आपको कोई भी फूल दे दिया, उस फूल को सबसे पहले कहाँ लगाना चाहिए? तो शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प को नैनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, यानी कानों में लगाया जाता है। तो कान में क्यों ये फूल लगता है? तो भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाज़ा ये हमारे कान ही है, जो भगवान को प्रवेश कराते हैं। आपने कथा सुनी होगी, उसमें आपको बताया गया होगा कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या क्या प्राप्त होता है। तो वो क्यों? क्योंकि शिव अंदर गए हैं, तभी तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। अगर शिव अंदर नहीं जाते तो कोई भी मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करता। तो मान लो किसी मंदिर की पुजारी ब्राह्मण आप पर प्रसन्न होकर आपको फूल दे देते हैं, तो उस फूल को नैनों से लगाकर, हृदय से लगाकर, मस्तक से लगाकर, फिर कान में कुछ देर वो फूल जरूर लगाए रखना। कान में लगाने के बाद फिर भले ही उसको आप उतार गए, उस फूल का विसर्जन कर दो, पर कान के छुए बिना उसका विसर्जन मत करना, क्योंकि हमारे शिव हम लोगों के कान से ही प्रवेश करते हैं। ऐसा सच भी है कि जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, उनमें से कुछ लोग को मंदिर के पुजारी के हाथ से फूल अवश्य मिला होगा। तो आपने सुना भी होगा कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार, उसमें कान को छेदा जाता है, तो इसीलिए छेदा जाता है। हर हर महादेव।